हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चोको लावा केक, जिसके लिए कि मैंने यहाँ पे लिया है एक बर्बन बिस्किट का पैकेट। उसमें से बिस्किट में से जो क्रीम है वो हम अलग कर लेंगे और सारे बिस्किट को हम जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। इसका हमें एक पाउडर तैयार करना है। फाइन, मैं सारे बिस्किट को जार में डाल लूँगी और उनका एक पाउडर तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको पीस लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 20 रुपीज़ वाली 3 डेरी मिल्क लूँगी और उनको एक बर्तन में डाल लूँगी खोल करके। तो मैं यहाँ पर 3 डेरी मिल्क का यूज़ करने वाली हूँ। मैंने सारी ही डेरी मिल्क को निकाल लिया है और मैंने अब एक बर्तन में मैं पानी गर्म कर रही हूँ और डबल बॉइलिंग मेथड से मैं ये चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। इसे हमें पूरी तरह से मेल्ट कर लेना है। इसका एक अच्छा सा पतला पेस्ट हमें यहाँ पे तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है हमारी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डालेंगे इसमें 2 चम्मच दूध, ताकि ये एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो हमें यहाँ पर 2 चम्मच दूध डालना है और गैस को मैंने कर दिया है बंद। आप देख सकते हो इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। इसे हम अलग रख लेते हैं आप। और अब मैं रख रही हूँ एक कुकर को गर्म होने के लिए गैस पर, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए जब तक हम हमारा बैटर तैयार करें। इसका ढक्कन लगा के हम इसको बंद करके रख देंगे। उसके बाद जो पेस्ट हमने बनाया था उसमें हम अपना बिस्किट का पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका एक अच्छा सा पेस्ट हम यहाँ पर बैटर तैयार कर लेंगे, एक अच्छा सा फाइन। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लंग्स ना रह जाएँ। एक लंग्स फ्री पेस्ट हमें यहाँ पे बना के तैयार करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 कप दूध, जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है दूध। तो मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ। उसको अच्छे से मिक्स करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद फॉइल पेपर से जो कटोरियाँ मैंने तैयार की थी उनमें मैंने ऑयल लगा लिया है और उसी में मैं ये अपना बैटर डालूँगी। तो एक बर्बन पैकेट से हम 2 चोकोलावा केक तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पहला मैं बनने के लिए रख रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से डैप कर लेंगे। अब हम अपने कुकर में एक बर्तन रखेंगे, हमें उसको डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है। नीचे रखेंगे डायरेक्ट तो ये जल सकता है। तो उसके बाद मैं अपनी कटोरी इसके अंदर रख रही हूँ, कुकर के अंदर। और इसको अब हमें बंद करके कुल 7 मिनट के लिए पकाना है हाई फ्लेम पे। तो मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और मैं इसको 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, 7 मिनट हो गए हैं। अब हम हमारा कुकर खोल के देखते हैं कि हमारा चोकोलावा केक तैयार हुआ है कि नहीं। मैंने यहाँ पे कुकर खोल लिया है। आप देख सकते हो हमारा चोकोलावा केक पूरी तरह से बनकर तैयार है और बीच में से वो कैसे हिल रहा है आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा चोकोलावा केक थोड़ा ठंडा हो गया है और मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है और मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हो इसमें से कैसे लावा बाहर निकल रहा है। तो हमारा चोकोलावा केक अच्छे से तैयार हुआ है। और यहाँ पे आपको टाइमिंग का खास ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना है, वरना हमारी चॉकलेट जो है वो थिक हो जाएगी और बाहर नहीं बहेगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा चोकोलावा केक है, इसको भी मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ स्पून से। उसको मैंने चाकू से कट किया था, उसको स्पून से। फ्रेंड्स, बनाइए घर पे चोकोलावा केक और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।